मोदी इज फ्लैक्सिंग इज ग्लोबल मसल। तरह के स्लोगन्स, इस तरह के चैंट्स वहां पर ना सिर्फ इंडियन कम्युनिटी बल्कि दुबई के शेखों की जानिब से भी लगाए गए। प्राण प्रतिष्ठा पर मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बर्नौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। मोदी है तो सब पॉसिबल है। थैंक यू मोदी, थैंक यू सो मच मोदी, मोदी अगेन मोदी, नमो मोदी। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 65,000 लोगों की है। ये देखो बात सुनो, मुल्क की मईशत इनमें से किसी का बाप नहीं संभाल सकता। मिडिल ईस्ट के अंदर जो भारत का एक असर और रसूख बढ़ रहा है, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यूएई की तारीख में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है। हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग लेते हैं, हम बेघर हैं। भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है। इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर नहीं। मोदी जी एक आम इंसान नहीं है। अच्छा। वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गए, एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। अहलान मोदी के नाम से वहां पर बहुत बड़ा इवेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का होने वाला है। आज दुबई के अंदर, यूएई के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी लैंड हो चुके हैं। अहलान मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी का स्वागत है, इस तरह के स्लोगन्स, इस तरह के चैंट्स वहां पर ना सिर्फ इंडियन कम्युनिटी बल्कि दुबई के शेखों की जानिब से भी लगाए गए हैं। बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर इस्तकबाल किया गया। बहुत बड़ा इवेंट भी होने वाला है अहलान मोदी के नाम से। और इस इवेंट के मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद फौरन प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर भी तशरीफ ले जाएंगे और वहां पर भी ऐसा ही एक इवेंट होने वाला है। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस कहीं जाते हैं तो उनको इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, पाकिस्तान जिंदाबाद या फिर पाकिस्तान का झंडा बुलंद नहीं किया जाता, क्या वजूहत है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बड़े बड़े मेगा इवेंट्स, उनके लिए चैंट्स, उनके झंडा लहराया जाता है और हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, इसके पीछे की क्या वजूहत? मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अक्टूबर में मोदी जी ने एक बहुत बड़े मीटिंग में कहा था ऐसे करके कि भाई तीसरे पोजीशन, थर्ड टर्म था और थर्ड पोजीशन पर हम जाएंगे इकोनॉमी में, पर जितने प्रोजेक्ट्स और जितने बायलैटरल रिलेशनशिप्स और जितने मतलब इनहांस करता हुआ भारत को मैं देख रही हूँ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नंबर टू पे हम विद इन 6 to 7 months के अंदर हम नंबर टू पे पहुंच जाएंगे। बिकॉज अगर आंकड़े निकाले जाएं या जीडीपी निकाला जाए तो इन डेटा हमें 7.9 दिख रहा है, पर मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर और लोकसभा इलेक्शन के वक्त मुझे लगता है 7.10 तक पहुंच जाएगा। तो आने वाले 7-8 महीने में हमारी इकोनॉमी, हमारे भारत की इकोनॉमी को नंबर टू पोजिशन पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। बिकॉज भारत अब इनहांस कर रहा है, भारत अब फैल रहा है, ना कि सिर्फ हमारा सिविलाइजेशन और हमारा कल्चर फैल रहा है बल्कि हमारे बायलैटरल रिलेशन और हमारा मेड इन भारत का की जितनी चीजें हैं वो भी फैल रही है। अभी मैं जब पानी पी रही थी, ये भी मैं भारत का ही बना हुआ है, तो खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मगर कहीं ना कहीं नाजिया ऐसा नहीं लगता आपको कि जो एक इम्प्रेशन है जो काफी हद तक सही भी है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुस्लिम्स का, कि हमको हर चीज में प्रॉब्लम रहती है, जो भी किसी दूसरे रिलीजन से रिलेटेड हो तो हम उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज ने इस चीज को बिल्कुल अलग से लिया है। और इससे पहले आपने देखा कि सऊदी अरब में जो है वो आपके यहाँ की जो यूनियन मिनिस्टर है आई थिंक वो गई थी और उनको बड़ा वेलकम किया गया, और अब जो है वो अबू धाबी में जो है इस मंदिर की इनॉग्रेशन को देखकर थोड़ा सा इम्प्रेशन मुसलमानों का बेहतर होगा कि सब लोग एक जैसा नहीं सोचते, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं और रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 रोजा दौरे पर भारत गए हैं और वहां पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया है। कहा जा रहा है कि बुर्ज खलीफा पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें चलाई गई हैं, इवन के तिरंगे की तस्वीरें उनके चलाई गई हैं और वहां पे बड़ा एक ग्रैंड इवेंट का इनाकात किया गया है अहलान मोदी के नाम से, जहां पर 65,000 इंडियन से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए जब आप इंडिया की बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले इंडिया की जो आबादी है ना उसको मद्देनजर रखना होगा। पूरी दुनिया में जो मुल्कों के अपने तजारत है, कारोबार हैं, वो ज़्यादातर उन मुल्कों के साथ हैं जिनकी बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू है। तो इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है जो दुनिया में सारे ममालक के अट्रैक्ट करती है। दूसरा ये है कि ये जो ममालक हैं जहाँ आपने अभी बात की है कि उसका बड़ा वो वेलकम हुआ है, तो उसकी बुनियाद ही यही है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी वहाँ प्रोडक्ट और जो भी होता है या वहाँ की जो मैन पावर है वो भी वहाँ कम रेट पे काम करती है। तो इसलिए उनका जो सिलसिला है वो अपनी जगह पे है कि वो बहुत उनको वेलकम करते हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना कि जो ताल्लुक इस्लामी ममालिक का पाकिस्तान के साथ होना चाहिए वो इंडिया के साथ है। अच्छा, ऐसा है कि फर्क ये है कि हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग लेते हैं। हम बेघर हैं, इंडिया बेघर नहीं है, इंडिया तिजारत करता है। तो इस वजह से भी ये एक बहुत बड़ा खला है हमारे लिए कि पाकिस्तान का एज ए मुस्लिम, देखिए मुसलमान तो हैं हम, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी मुसलमान है। अगर मुसलमान इस वक्त जहाँ जहाँ भी है वो किन उलझनों में फंसा हुआ है। वी हार्टली वेलकम मोदी जी एंड वी आर रियली प्राउड। मोदी जी इज अवर प्राइम मिनिस्टर एंड ही हैज डन अ लॉट फॉर इंडियंस। कोई मैजिक है उनके पास, हम तो ये इधर देखने आए हैं कि मैजिक क्या है कि यहाँ पे। एक बात बताऊं, मोदी जी एक आम इंसान नहीं है। अच्छा। वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। हम उनके सम्मान और उनके कृतज्ञ को मतलब प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन एंड डोंट टेक इट इन ऑर्डिनरी वे। वो बहुत कुछ है और न सिर्फ इंडिया के लिए पूरी दुनिया के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ। और ये चीजें नजर आ रही है हमें, ऐसे महापुरुष कभी कभी आते हैं। कभी आते हैं और ये हर कंट्री को चाहिए, कहीं भी कंट्री के लोग हैं, अगर कोई अच्छा लीडर है तो उसकी वैल्यू करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। आज हम लोग एक कहावत है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरे विश्व को हम लोग अपना परिवार समझते हैं। ठीक है। और इंसानियत को सबसे आगे, सर्वे सुख भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मतलब है कि विश्व के सारे लोग सुखी हों। जबरदस्त हो गया। चलें जी, हम यही ख्वाहिश करेंगे कि पूरी दुनिया के लोगों में इंसानियत का मैसेज। मैं आपका YouTube पर हमेशा देखता हूँ, आप कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं जो कोशिश करता हूँ क्या ये कुछ बेहतरी आएगी या सिर्फ ये वीडियो? बेहतरी आएगी आपकी जो कोशिश है। ठीक है, जिस हिसाब से आप प्रोपेगंडा और जिस हिसाब से आप कोशिश कर रहे हैं एक दिन आप। सर मैम आप कह रही हैं जिस हिसाब से आप प्रोपेगंडा मतलब खत्म कर रहे हैं। नहीं प्रोपेगंडा नहीं, जिस हिसाब से आप कोशिश कर रहे हैं एक दिन जरूर आएगा कि सब यंगस्टर की थॉट बिल्कुल आपके जैसी हो।